हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी के शेयर के बारे में। इस कंपनी को लेके काफ़ी चर्चा चल रही है मार्केट में, और आज के दिन अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी 3.5% से ज़्यादा की रिटर्न भी दे रही है। एंड इस कंपनी को लेके एक बड़ी खबर भी आ रही है, जो हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स या कंपनी के लिए अच्छी खबर भी मानी जा सकती है। तो वही न्यूज़ को हम कवर करेंगे, ना इसके फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी इसका जो मार्केट प्राइस है वो हमें 6.25 रुपीज़ दिख रहा है वोडाफोन आइडिया कंपनी का शेयर प्राइस, जिसमें 4.71% की ग्रोथ दिख रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी मार्केट ऑन है तो इसीलिए इसमें हमें फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल सकती है। ये करीब आज के दिन मार्केट, अगर इसमें हम हाईएस्ट ग्रोथ देखें तो इसमें 5% तक की बढ़त भी देखने को मिली है आज के दिन। एंड ये बढ़त के पीछे भी एक कारण है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं, वोडाफोन आइडिया की हालत बहुत बुरी है। कंपनी के प्रमोटर्स ने गवर्नमेंट को ऑफर दिया है कि वो अपना स्टेक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी कंपनी, मीन्स गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट जो कंपनी को बोलेगी उसे हैंड ओवर करना चाहते हैं कंपनी को बचाने के लिए। बिकॉज कंपनी के ऊपर 1.9 लाख करोड़ का डेट है, इस पे AGR ड्यूज़ बहुत ज़्यादा है, बैंक लोन्स हैं, एंड ये कंपनी लॉस मेकिंग है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कंपनी ने जून को एंड में कम से कम कुछ 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर खोए हैं, करीब 45 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर इसने लूज़ किए हैं जून में। वहीं ये एयरटेल और जियो ने सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं, एड ऑन किए हैं। तो इस कंपनी के लिए हम बोल रहे हैं बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, ये भी माना जा सकता है। एंड उसी को लेके कंपनी के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है। तो अभी मैं पहले आपको वो खबर के बारे में भी बता देता हूँ। ये खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी को बचाने के लिए, हम बोल सकते हैं, या तो टेलीकॉम सेक्टर को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है, जो उनका AGR ड्यूज़ का पेमेंट का जो टाइम है उसे टाइम को वापस से फ्रेम करके उन्हें जो 10 साल का टाइम दिया गया था AGR ड्यूज़ को पूरा क्लियर करने का, उसे बढ़ा के 20 साल का कर दिया जाए। मीन्स इनके जो AGR ड्यूज़ है उसके लिए जो 10 साल इनको दिए गए थे कि पूरा पेमेंट करने के लिए, वो बढ़ा के अब 20 साल करने की प्लान चल रही है। ये खाली अभी प्लान कर रहे हैं गवर्नमेंट, अभी उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया ना लाया है। एंड मैं आपको बता दूं, AGR ड्यूज़ के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 10 साल के अंदर टेलीकॉम कंपनीज को AGR ड्यूज़ क्लियर करना होगा। एंड AGR ड्यूज़, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग जो भी टेलीकॉम कंपनीज की रेवेन्यू आती है उसका कुछ परसेंट टेलीकॉम कंपनीज को गवर्नमेंट को पे करना होता है एज अ लाइसेंस फीस। तो गवर्नमेंट पैकेज आएगा तो इससे हमें टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। एंड ये न्यूज़ आने के बाद से ही हमें आज के दिन ये रैली देखने को मिली। ये रैली आज नहीं, कल भी थी। वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो शेयर था इसमें ये 2 दिन से रैली इसी वजह से हमें देखने मिल रही है। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वोडाफोन आइडिया कंपनी की हालत इस समय बहुत बुरी चल रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें दो पार्टनर है, कुमार मंगलम बिरला और वोडाफोन PLC। तो वोडाफोन PLC के पास भी जो अराउंड 40-45% स्टेक थे कंपनी के, उन्होंने भी गवर्नमेंट को ऑफर किया था कि वो अपने स्टेक गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट जो कंपनी को बोलेगी उसे देना चाहते हैं, या MTNL या BSNL के साथ मर्ज करने के लिए भी तैयार है वो कंपनी को। बट गवर्नमेंट इतना इंटरेस्टेड नहीं थी उसमें, कुछ इश्यूज थे, उसीलिए गवर्नमेंट मर्ज नहीं करना चाहती। बिकॉज अगर मर्ज भी होता तो उसे जो भी वोडाफोन आइडिया का जितना ड्यूज है उसे गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ता। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये रिलीफ पैकेज वगैरह इसीलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि इसमें अराउंड 1.6 लाख करोड़ का जो ड्यूज है वो गवर्नमेंट का है। एंड इससे सबसे ज़्यादा घाटा गवर्नमेंट को होगा अगर ये कंपनी बंद होती है तो। एंड नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो बिजनेस में, टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ दो प्राइवेट कॉम्पिटिटर बचते हैं, उनका नाम है एयरटेल एंड जियो। तो इनकी मोनोपोली हो जाएगी बिजनेस में, एंड ये कभी भी गवर्नमेंट चाहेगी नहीं, बिकॉज कंज्यूमर्स को इससे प्रॉब्लम होगा।
गवर्नमेंट ने अभी पैकेज लाया है, ये पैकेज मैं आपको बता देता हूँ, ये वोडाफोन आइडिया कंपनी के शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए ही रिलीफ दे पाएगा, बिकॉज इनका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। अगर इनको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इनको इनका बैलेंस शीट प्लस में लाना होगा एंड इनको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होंगे इनके। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि वोडाफोन आइडिया ने इनका जो जून का लाइसेंस फीस था वो भी क्लियर कर दिया है, बट वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए बहुत सारी रेटिंग फर्म्स जो है वो रेटिंग इनको सेल का दे रही है एंड बता रही है ये कंपनी का टारगेट प्राइस 4 रुपये बता रही है, एंड इसका प्राइस आ भी सकता है, बिकॉज़ मैं आपको इसके फंडामेंटल्स में लेके जाऊँ तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 17,241 करोड़ का एंड इसकी बुक वैल्यू -13.3 रुपीज़ है। बुक वैल्यू माइनस में है, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। एंड मैं आपको बता देता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इस कंपनी ने इसके जून क्वार्टर मीन्स 2021 के Q1 में करीब 7,319 करोड़ का लॉस दिखाया है, एंड ये लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको इनका अगर बैलेंस शीट भी दिखा देना चाहता हूँ कि इन्होंने इनके पास जो रिजर्व्स है वो -66,963 है, मतलब बिल्कुल रिजर्व्स है नहीं कंपनी के पास। इनके पास बोरोइंग देखेंगे तो अराउंड 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बोरोइंग है इस कंपनी पे। अदर लाइबिलिटीज 84,293 करोड़ का है। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट है 1,67,497 करोड़ का। सी डब्ल्यू करंट वर्क इन प्रोग्रेस पे 600 करोड़ ये दिखा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ की है इनकी एंड अदर एसेट 35,380 करोड़ का ही है। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो सी डब्ल्यू आई पी है इसे अल्टर भी किया जा सकता है बैलेंस शीट को हैवी दिखाने के लिए। ये सी डब्ल्यू आई पी में अल्टरेशन भी हो सकती है, तो हम सी डब्ल्यू आई पी को इतना स्टेबल नहीं मान सकते। कंपनी अगर कैश फ्लो दिखाओ तो ये भी कंटिन्यूस माइनस में ही चल रहा है। अगर मैं आपको इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ तो इसमें 72.05% प्रमोटर्स के पास शेयर है। एफ आई आई ने अपने स्टेक बहुत कम करके 4.29% ही रखा है। डी आई आई ने भी पूरा स्टेक कम करके सिर्फ 1.30% ही रखा है एंड 22.36% स्टेक पब्लिक के पास है। मैं आपको बता दूं ये कंपनी की हालत फिलहाल बहुत बुरी है एंड अगर कोई इन्वेस्ट करने का सोचता होगा कि वोडाफोन आइडिया वापस से रिवाइव होगा तो फिलहाल के लिए ये कंपनी से जितना दूर रहे उतना सही है, बिकॉज ये कंपनी की हालत बहुत बुरी है एंड फ्यूचर अभी तो इसका कुछ दिख नहीं रहा है जब तक कोई अच्छा पैकेज या कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करती तब तक के लिए। एंड अगर आप देखेंगे तो रेटिंग फॉर्म्स इसका टारगेट प्राइस 4 रुपये दे रहे हैं, बट अगर हम फ्यूचर में बात करें तो ये कंपनी हमें वापस से पहले जैसे 2-2.5-1.5 रुपये में चल रही थी वैसे भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो मैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनसे यही बोलूँगा कि ऐसी कंपनी से बिल्कुल दूर रहें एंड ऐसा मत सोचिए कि वोडाफोन आइडिया कंपनी है कभी डूब ही नहीं सकती या ये कभी ना कभी बढ़ेगी, तो प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए जब तक कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा ना दे तब तक इससे दूर रहे। एंड अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना है तो एक अल्टरनेटिव इसका है एयरटेल, तो एयरटेल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो शेयर आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने के बजाय। मैं आपको एयरटेल के बारे में भी हल्का सा बता दूं, आज के दिन एयरटेल कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 623.40 रुपीज़ है। इसमें 0.12% की ग्रोथ देखने को मिली एंड मैं आपको बता दूं ये कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। एंड मैं बताऊँ टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अभी के लिए, बट वोडाफोन आइडिया अगर आप सोच रहे हैं तो ये शेयर आपको फ्यूचर में 2-3 रुपए के आसपास भी आते हुए देख सकता है, बिकॉज फ्यूचर अभी इसका वोडाफोन आइडिया का बहुत ख़राब चल रहा है। जब तक ये लोग अपने एजीआई ड्यूज का या कंपनी प्रॉफिट में जब तक नहीं आ जा सकती हम कुछ नहीं बोल सकते कि इस कंपनी की क्या हालत होने वाली है, बिकॉज इनके प्रमोटर्स ने गिव अप कर चुका है कि वो अब नहीं संभाल सकते या और पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते इसमें। तो इसीलिए अभी के लिए इन्वेस्टर से यही कहूँगा कि वो वोडाफोन आइडिया कंपनी से बिल्कुल दूर रहे। तो आज के लिए मैं आपको यही सब बताना चाहता था एंड ये वीडियो में हमने कवर किया। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने डिसीजन खुद से लीजिए, एक बार खुद से एनालिसिस कीजिए अपना एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करना चाहूँगा। धन्यवाद।